हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में मैं CAPF पेपर 2 के ऑनलाइन टेस्ट पेपर 19AC07 के एसे का डिस्कशन करूंगी। एक अनाउंसमेंट कर दूं, जिस किसी भी कैंडिडेट ने मेरा विद इवैल्यूएशन टेस्ट पेपर खरीदा है और किसी रीज़न से वो आंसर नहीं लिख पा रहे हैं या मुझे सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मुझे एक रिक्वेस्ट मेल भेजे उसी टेस्ट पेपर के मॉडल आंसर्स के लिए। 324 रुपीज़ आपने एक टेस्ट पेपर का पे किया है, तो उसका मॉडल आंसर्स भी आप ले सकते हो, चाहे आप मुझे आंसर दो या न दो। तो ये 6 टॉपिक्स है इस बार 19AC07 टेस्ट पेपर का, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंडियन डायस्पोरा इज इंडियाज एसेट इन डिसगाइज। इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये टॉपिक आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन डायस्पोरा एसेट है, मगर वो एसेट छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है, वो डिसगाइज्ड है, यानी कंसील्ड है, छुपा हुआ है, हिडन है, मगर असली में वो एसेट है। तो आपको अपने कंटेंट में ये बताना है कि इंडियन डायस्पोरा कैसे एसेट है, ओके, इंडिया के लिए। अब मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन लिखा है उसमें मैंने ये बताया कि डायस्पोरा का मतलब क्या है, तो आप कभी ऐसे मत लिखना डायस्पोरा मींस, डायस्पोरा इज डिफाइंड एज, ऐसे नहीं लिखना, थोड़ा किडिश लगता है। आप ऐसे लिख दो, डायस्पोरा डिस्क्राइब्स द पीपल ग्रुप्स ऑफ पीपल हु करंटली रिसाइड आउटसाइड द ओशन होमलैंड। द इंडियन डायस्पोरा इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 30 मिलियन, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एक कैंडिडेट ने इस पर ऐसे लिखा था, तो उसमें ना डायस्पोरा का, इंडियन डायस्पोरा का बहुत ज़्यादा डिटेल दिया था कि डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, फिर कितने टाइप्स ऑफ डायस्पोरा है, डिफाइन किया सबको, टाइप्स भी डिफाइन करने लग गया। तो आप टॉपिक के डिमांड को तो फुलफिल ही नहीं कर रहे हो। टॉपिक तो ये तो नहीं कह रहा कि आपको डायस्पोरा का मतलब लिखना है, नहीं, टॉपिक का डिमांड ये है कि डायस्पोरा किस तरह से एसेट है ये बताना है, ओके? तो मैंने यहाँ पे मतलब लिख दिया, दो लाइन में मैंने बता दिया। मैंने ये भी बताया यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में, जो इंडियन डायस्पोरा है वो वेल अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल्स है। तो मैंने नाम दे दिया, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, गवर्नर जनरल ऑफ न्यूजीलैंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। तो ये पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो एक्चुअली इंडिया को सर्व नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज को सर्व कर रहे हैं, ओके? तो हमें ऐसा लगता है कि ये एसेट नहीं है। फिर मैं इस पैराग्राफ में लिखती हूँ कि इन दिस बैकड्रॉप द जनरल आउटलुक टुवर्ड्स द डायस्पोरा इज दैट दे लैक पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स इंडिया, इंस्टेड ऑफ सर्विंग देयर होम कंट्री दे प्रेफर टू सी ग्रीनर पास्चर्स अब्रॉड, द एक्सोडस क्रिएट्स ब्रेन ड्रेन विच इज हार्मिंग इंडिया। फिर नेक्स्ट लाइन मेरा ये होता है, हाउएवर ऑन कंट्रारी दे मेंटेन स्ट्रॉन्ग इमोशनल टाइज विद द मदरलैंड, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट इन 1990 मैथ्यूज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेविंग इतना इंडियंस फ्रॉम द कुवैत वॉर, दे आर मेनी मोर डायस्पोराज हु हैव मेड इंडिया प्राउड। तो यहाँ पर मैंने इंडियन डायस्पोरा किस तरह से एक एसेट है उसका मैंने एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया है। This has led to the recognition of their contribution to India's development. अब मैं एसेट के बारे में elaborately बता रही हूँ कैसे वो एसेट हैं। Their greatest potential is in terms of remittance, which was इतना billion 2018, which has made India the world's top recipient of remittance according to the World Bank report. Also, diasporas contribute to India's economic development through FDI and transnational entrepreneurship. On visiting India, they tend to spend more lavishly than the locals, thereby participating in economic activity. They donate to domestic charity and catalyze the demand of Indian goods in their countries of settlement. तो मैंने एक पॉइंट तो यहीं पर लिख दिया था इसके पहले वाले पैराग्राफ में। उसके बाद कैसे एसेट है मैंने सेकेंड पॉइंट रेमिटेंस का बता दिया। फिर मैंने थर्ड पॉइंट FDI का बता दिया। फोर्थ पॉइंट कि वो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा जो चैरिटी करते हैं, फिर इंडियन गुड्स को प्रमोट करते हैं अब्रॉड, ये बता दिया। तो कैसे एसेट है मैंने इस पैराग्राफ में बता दिया, और फिर मैं कंक्लूड कर रही हूँ। इंडीड इट वुड बी नो एग्जैजरेशन टू से दैट डायस्पोरा इज अ स्ट्रैटेजिक एसेट। इन ऑर्डर टू लीवरेज दीज एसेट्स ऑफ डायस्पोरा द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, विच मेक्स इट ईजियर फॉर डायस्पोरा टू कनेक्ट विद द होमलैंड, सिक्योर लाइफ लॉन्ग इंडियन वीजास। Moreover, the merger of person of Indian origin and overseas citizen of India cards has brought the relationship closer to India. तो government क्या क्या कर रही है उसके बारे में मैंने conclusion में ही लिख दिया। एक तो मैंने इस paragraph में बता दिया कि कैसे asset है,
उसके बाद मैंने ये बता दिया कि इंडियन डायस्पोरा को वैल्यूबल एसेट बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो मैंने ये कंक्लूजन में ही दे दिया। और देखिए, गवर्नमेंट का स्टेप तो आपको देना ही है, ये बोल रहे हो कि इंडियन डायस्पोरा नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपको तो ये तो बताना ही पड़ेगा ना किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट इंडियन डायस्पोरा को एज एन एसेट यूज कर पा रहे हैं। इंडिया मस्ट शिफ्ट फोकस फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो बेसिकली इस एसे में अगर बात आपको करना है वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में बात करना है, ये मेजर एस्पेक्ट ऑफ द एसे है। आप फूड सिक्योरिटी के बारे में बहुत कम बात करोगे। दूसरी बात आपको ये करनी है कि इंडिया को क्यों शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने सिर्फ दो लाइन लिखा इंट्रो में, मैल न्यूट्रिशन इम्प्लाइज बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। These two types of malnutrition are severely denting India's productivity and adding to health expenditure. In order to address this problem, India's public distribution system covers almost 75% of the population under National Food Security Act 2013, which delivers food ration at subsidized rate. In March 2018, the Poshan Abhiyan was launched that aims at reducing malnutrition in women and children. तो यहाँ पर बेसिकली मैंने फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे आ रही हूँ। However, these measures are not producing expected results as according to the Global Hunger Index 2018, India shares a quarter of the global hunger burden and accounts for 23.8% of the global burden of malnourishment. There is another finding that indicates that despite reduction in food, nutrition status has shown more improvement because of better access to healthcare. This suggests that nutrition security is more important than food security. तो इस पैराग्राफ की इस लाइन में मैंने अपने एसे को पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया है। दिस इज द रीजन व्हाई थाईलैंड हैज बीन फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन फॉर डिकेड्स एंड हैज अचीव कमेंडेबल रिजल्ट्स। हेंस इंडिया शुड आल्सो फोकस ऑन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी इन इट्स गवर्नमेंट्स पॉलिसी। हाँ, मैं पूरा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही हूँ। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंक्लूड्स फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सेस टू बैलेंस्ड डाइट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर एंड इंप्रूव सैनिटेशन, बट एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर नीडेड टू यूटिलाइज दीज सर्विसेज। ऑल्सो जेंडर इक्वालिटी इज द की टू फूड सिक्योरिटी एज वेमेन प्ले की रोल्स इन फूड प्रोविजनिंग एज प्रोड्यूसर्स, होम फूड मैनेजर्स एंड कंज्यूमर्स। Bangladesh has launched women-centered health programs in family planning and immunization, oral rehydration and child health. Besides this, government must address farm problems as agriculture plays a very important role in ensuring good public nutrition. तो यहाँ पर मैंने nutrition security के बारे में बता दिया कि nutrition security होता क्या है और उसके key components क्या क्या हैं, जैसे gender equality है वो भी मैंने बता दिया। फिर मैंने यहाँ पर Bangladesh के बारे में बता दिया कि Bangladesh women-centered health program शुरू किया है। और फिर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए हमें जो फार्म प्रॉब्लम है या इंडिया जो फार्म क्राइसिस से गुजर रही है उसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैं कंक्लूड कर दिया है, टू कंक्लूड इंडिया शुड लर्न फ्रॉम अदर एशियन कंट्रीज हु हैव रिड्यूस्ड अंडर न्यूट्रिशन सब्सटैंशियली, अकॉर्डिंगली इट शुड रीमैप इट्स फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, देन इंडिया विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव यूनाइटेड नेशंस गोल ऑफ जीरो अंडर नॉरिश पॉपुलेशन बाई 2030। आफ्टर ऑल नॉरिश्ड सिटीजनरी इज द एसेट फॉर अ कंट्री। अब नेक्स्ट है एनजीओस फॉल शॉर्ट एज एजेंट्स ऑफ चेंज। क्या एनजीओ के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सोशल चेंज लेकर आ सकता है, या कोई भी चेंज, बी इट सोशल, इकोनॉमिक, पोलिटिकल, कोई भी चेंज या कोई भी बदलाव हमारे समाज में लेकर आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें लिखा है फॉल शॉर्ट एज एजेंट्स ऑफ चेंज, इसका मतलब एनजीओ ने का जो रोल है एज एन एजेंट ऑफ चेंज वो रोल वो अदा नहीं कर पा रहा है। तो अब इसमें मैंने शुरुआत किया है, डेवलपमेंट डज नॉट ओनली मीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो इंक्लूड सोशल प्रोग्रेस। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट अलोन to effectively undertake such development activities. Development does not only mean economic development but also include social progress. It is not possible for the government alone to effectively undertake such development activities. So there is an essentiality of other organizations to support the government on various fronts. This essentiality paved the way for emergence of non-government organization, that is NGOs. Okay? So in this way, the NGOs are the extended arms of the government that assist it in bringing about the change in the society. But there are several cases of their poor performance due to two reasons. The first is NGOs are often guided by the profit motive, and secondly, lack of transparency in the functioning of the
एनजीओस, तो एनजीओ क्यों चेंज लाने में असमर्थ है, इसका मैंने दो रीजन दे दिया है, पहला प्रॉफिट मोटिव और दूसरा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ओके, आप इस टॉपिक के अगेंस्ट भी लिख सकते हो, मैंने इस टॉपिक के फेवर में लिखा है, मगर आप अगेंस्ट में भी लिख सकते हो, मगर फिर आप जो भी पॉइंट दे रहे हो इट हैज़ टू बी वैलिडेटेड बाय सर्टेन एविडेंस और डेटा। अब मैंने यहाँ पर रीजन दे दिया है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में रिजल्टेंटली सेवरल एनजीओज हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इसकी वजह से उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा 35 लाख एनजीओज रिसीव फॉरेन फंडिंग्स अबव रुपीज इतना करोड़ इन 2014-15 दैट मे सर्व एज कॉन्ड्यूट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। इट इज ऑल्सो सेड दैट द फॉरेन फंडेड एनजीओज ट्राइज टू प्रोपोगेट द फॉरेन प्रोपोगेंडा टू स्टॉल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस ये वाला प्रोटेस्ट का मैंने नाम दे दिया है। Furthermore, CBI records filed in Supreme Court show that only 10% of total registered NGOs under Societies Registration Act file annual income and expenditure statement. इसका मतलब है कि जितने भी NGOs हैं उसमें सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो अपना annual income और expenditure statement show करते हैं, बाकी NGOs नहीं करते हैं। तो इसी reason को मैंने, ये जो मैंने reason दिया है lack of transparency या profit motive होना, इसी को मैंने elaborate next paragraph में कर दिया है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन रेगुलेटरी स्टेप्स अगेंस्ट एनजीओस और कई एनजीओस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, जिसमें सलमान खान का भी एनजीओ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है यहाँ पर। बेसिकली ये एजेंट ऑफ चेंज क्यों नहीं रह गया है, ये मैंने पूरा रीज़न यहाँ पर बताया है। अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ, थ्रू सच स्टेप्स द गवर्नमेंट होप्स टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एनजीओस, बट एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जेन्युइन एनजीओस सो दैट दे बिकम प्रोग्रेसिव एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। इंडिया अर्जेंटली नीड्स ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। आपको अपने ऐसे में बेसिकली इंडिया को एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए उसके बारे में बात करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ और बात करते हो तो फिर आप अपने ऐसे को जस्टिफाई नहीं करोगे। टेररिज्म इज द इमर्जिंग इशू अक्रॉस द ग्लोब एंड इंडिया इज वन अमंग द वर्स्ट हिट नेशन। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2018, इंडिया रैंक्स 7th अमंग द कंट्रीज दैट विटनेस द मोस्ट टेररिस्ट अटैक्स। अमंग दी सीरीज ऑफ ब्लडी टेररिस्ट इंसिडेंट, द रीसेंट अटैक ऑन यूरी सिक्योरिटी फोर्सेज कैंप एंड अटैक ऑन CRPF कॉन्वॉय इन पुलवामा हैव लेफ्ट द कंट्री इन द स्टेट ऑफ शॉक। India retaliates with countermeasures and surgical strikes, but policymakers must take more resolute and stringent steps to counter the terrorist threat so that terrorism is uprooted from India. अब देखिए, मैंने बोला था ना स्ट्रैटेजी के बारे में बात करनी है, तो यहाँ से सेकेंड पैराग्राफ से मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। NIA Act and Counter Terror Law must be given more power to probe terror-related cases. इसके बारे में बात की है, एन एम्बिशियस काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम मस्ट बी मेड फंक्शनल सून। ऑल्सो NSG मस्ट बी स्ट्रेंथन सो दैट इट कैन रिस्पॉन्ड एफिशिएंटली एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। ऑल्सो इंडियाज इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आर हाईली फ्रेगमेंटेड एंड ऑफन पुअरली कोऑर्डिनेटेड एज इज इलस्ट्रेटेड बाय देयर रीसेंट फेलियर इन प्रिवेंटिंग टेररिस्ट अटैक्स। द गवर्नमेंट नीड्स टू ब्रिंग ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज अंडर सम फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट सो दैट इंटीग्रेशन कैन बी ब्रॉट इन बिटवीन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट डीलिंग विद इंटेलिजेंस। National counter terrorism plan should be updated and reviewed periodically to keep pace with the changing dynamics of terrorism. तो आप देखिए strategy के बारे में बात करनी है तो मैंने second paragraph से ही strategy के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे students हैं जो terrorist attacks जितने भी हुए हैं ना उसको बहुत elaborately deal कर रहे हैं ऐसे में, तो कोई मतलब ही नहीं है। आप terrorist attack का एक line में mention कर दो कि ये terrorist attack हुए हैं, मगर अब counter terrorism स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अब उस पर आपको बात करनी होगी। तो टॉपिक देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मेन मुद्दा क्या है। नेशनल काउंटर टेररिज्म प्लान शुड बी अपडेटेड एंड रिव्यूड पीरियोडिकली टू कीप पेस विद द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ टेररिज्म। दीज प्लान शुड ऑल्सो बी सिमुलेटेड रेगुलरली सो दैट द एजेंसीज इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्डिंग टू दीज एक्ट्स एंड मैनेजिंग देम गेट एडिक्वेटली ट्रेन्ड। All these efforts must intersect with India's deeper intelligence alliance with Israel, Afghanistan and Iran. Also, India should keep pursuing the policy of isolating Pakistan on the issues of terrorism. India must deal with China, who has always had blocked India's proposal to list Masood Azhar as a UN designated terrorist.
तो ये मैंने ऐसे तब लिखा था जब मसूद अजहर को टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट करार करने के लिए इंडिया काफ़ी मेहनत कर रहा था और चाइना हमेशा अपना वीटो पावर यूज़ करता था। द मिनेंस ऑफ टेररिज्म कैन ओनली बी कॉम्बैटेड इफ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एंड मिलिट्री फोर्सेज वर्क इन कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड मैनर विद द प्राइम गोल ऑफ प्रिवेंटिंग फर्दर टेररिस्ट अटैक्स। अब देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है ये लास्ट पैराग्राफ है जो कि कंक्लूजन है और इसमें मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखा है। ओके, हालांकि पैराग्राफ में मिनिमम दो लाइंस होनी चाहिए। एक्चुअली ये वर्ड लिमिट, ये जो एस्से है ये 324 वर्ड्स का है। ओके, थोड़ा सा बड़ा है ये एस्से, 10-12 लाइन ज़्यादा इसमें आए हैं, तो अगर मैं एक और लाइन इंक्लूड करती तो ऐसे और बड़ा हो जाता। ओके, तो इसीलिए लास्ट कंक्लूजन में मैंने सिर्फ एक ही लाइन डाला है। वैसे हर पैराग्राफ में कम से कम दो लाइन होना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि क्या स्वच्छ भारत इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बना पाया है या नहीं, स्वच्छ भारत का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इन दिस एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, एवरी वन इज स्टार्विंग टूवर्ड्स द क्लीन एंड सेफ इंडिया। दिस स्ट्राइव इज फर्दर स्पर्ड बाय स्वच्छ भारत मिशन दैट वॉज लॉन्च्ड इन 2014। द की एम ऑफ द मिशन इज एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन इन इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019, द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। इट हैज सक्सीडेड इन इराडिकेटिंग ओपन डेफिकेशन इन ओवर इतना लाख विलेजेस थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स। द नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे हैज रिपोर्टेड दैट टिल मार्च 2019 द नंबर ऑफ इंडियंस डेफिकेटिंग इन ओपन हैज कम डाउन टू अंडर 50 मिलियन फ्रॉम 550 मिलियन इन 2014। वाइल दीज डेटा आर एनकरेजिंग बट इट इज टू नोट दैट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु ओन टॉयलेट्स कंटिन्यू टू डेफिकेट इन ओपन हैज रिमेन अनचेंज बिटवीन 2014 एंड 18। अब देखिए मैंने इस पैराग्राफ में लिखा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इतने सारे टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं, फिर ये भी बताया कि जिनके यहाँ पर टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवा दिया गया है वो लोग टॉयलेट नहीं यूज कर रहे हैं। दिस इंडिकेट दैट द मिशन हैज बीन मोर सक्सेसफुल इन कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट देन एट इम्पेलिंग पीपल टू यूज इट। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, देखा गया है कि ये सक्सेसफुल है टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करने में, मगर पीपल को एनकरेज करने में सक्सेसफुल नहीं है कि आप लोग ये टॉयलेट को यूज करो। देर आर मेनी रीजन्स फॉर पीपल्स नॉट यूजिंग टॉयलेट्स। अब इसमें मैंने रीजन बता दिया है। ओके, तो फर्स्ट रीजन बताया क्योंकि उनको लगता है ये ऑर्गेनिक मैन्योर है। फिर सेकेंड रीजन बताया कि एक ऑब्सोलेट बिलीफ है कि रिचुअल प्योरिटी होना चाहिए तो हमें घर में टॉयलेट नहीं यूज करना चाहिए। ओके, तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया गया है वो पुअर क्वालिटी का है। अब उसके बाद मैंने कंक्लूड किया है, वी सर्टनली नीड टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत बट नॉट विदाउट एड्रेसिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स टू एंश्योर कोर्स करेक्शन। द अटेंशन मस्ट बी फोकस ऑन चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द पीपल एंड मेकिंग देम अवेयर अबाउट हेल्थ एंड एनवायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टॉयलेट्स। ओके, लास्ट है, फिनटेक इज द की ड्राइवर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंडिया हैज बीन एन अंडरबैंक कंट्री फॉर मेनी डिकेड्स। अकॉर्डिंग टू अ 2018 रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, इंडिया इज होम टू द सेकेंड लार्जेस्ट अनबैंक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेनी फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स सच एज आधार कार्ड, जनधन योजना एंड अ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉल्ड BHIM। देयर सक्सेस इज कमेंडेबल एज 80% ऑफ इंडियंस एडल्ट हैव अ बैंक अकाउंट बट 48% ऑफ द कंट्रीज बैंक अकाउंट हैव हैड नो ट्रांजेक्शन इन द लास्ट 1 ईयर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका रीजन मैंने सेकेंड पैराग्राफ में बता दिया। अब फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये बताया कि इंडिया ने अभी तक जो भी फाइनेंशियल मेजर लिया है उसमें 80% ऑफ इंडियन एडल्ट्स को का बैंक अकाउंट है, मगर उसमें 48% बैंक अकाउंट यूज ही नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है। फिर उसका मैंने रीज़न बताया कि ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल है उसकी वजह से, तो इस ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी से, वो है फिनटेक। तो यहाँ पर मैं सेकेंड पैराग्राफ में फिनटेक के बारे में बताने लग गई। RBI governor said that fintech companies can widen financial inclusion in India by reducing cost and making formal financial services accessible to people of even remote regions. Fintech companies are delivering all financial services digitally and instantly to millions of unexplored Indians on smartphones. They do not operate on brick and mortar model,
but utilize cutting-edge technology and data analytics. 7 payment banks have commenced operation using fintech. However, an appropriate regulatory and supervisory framework is necessary to address associated risk with fintech. In order to address that, the RBI's working group on fintech and digital banking has suggested the introduction of regulatory sandbox to experiment with fintech solutions so that the consequences of failure can be analyzed. If financial inclusion efforts are to be taken beyond the cities, the regulators and banks have to focus on the technology-driven policy like fintech so that unbanked population get the opportunity to explore the range of financial service available on smartphones. The future is bright and the day is not far when even rural Indians will prefer to do financial transactions digitally. Thank you.